से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं मैंगो का सेकेंड पार्ट, और जिन लोगों ने हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो देख लें जाकर, तो उन्हें अच्छे से समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं फिर बिना टाइम को व्यतीत किए हुए हैं। तो आज हमारा है सेकेंड पार्ट मैंगो का। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, आम की शाही सुगंधा किस्म निरंतर फल देने वाली एवं मैंगो माल फार्मेशन से मुक्त है। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि मैंगो माल फार्मेशन से मुक्त कौन सी किस्म है, तो शाही सुगंधा, ठीक है, और निरंतर फल देने वाली, रेगुलर, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, आम की रूमानी किस्म दशहरी में बौनापन हेतु प्रयोग की जाती है। रोमानी किस्म है जो दशहरी में किस लिए प्रयोग की जाती है, बौनापन के लिए, इसमें दशहरी में, ठीक है, रोमानी किस्म। और अगला है हमारा जो आम के फलों का भंडारण 3.9 से लेकर 8.9 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, टेम्परेचर तक, और या 13, ठीक है, 13 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पर एवं 85 से 90% आपेक्षिक आर्द्रता रखते हैं। आर्द्रता पर 4 से 7 सप्ताह तक भंडारित किया जा सकता है। हमको इतने इतने 4 से 7 सप्ताह तक भंडारित किया जा सकता है, और इसका टेम्परेचर ध्यान रखना है, ठीक है, आपेक्षिक आर्द्रता ध्यान रखनी है, और ये कितने दिनों तक भंडारित किया जा सकता है, 4 से 7 सप्ताह तक, ठीक है। अगला है, बैक्सिंग से फलों की भंडारण क्षमता बढ़ाई जा सकती है। किससे? वैक्सिंग से, ठीक है, फलों की भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए वैक्सिंग से बढ़ाई जा सकती है। जो मृदा जो होती है आम की खेती के लिए, वो कैसी? अच्छी जल निकास वाली दोमट मृदा, लोमी सॉयल होनी चाहिए, वो उपयुक्त होती है, ठीक है। तापमान कितना होना चाहिए, टेम्परेचर, ठीक है, आम की खेती के लिए 24 से 27 डिग्री उपयुक्त रहता है, ठीक। और जब पुष्पन के समय पाला व वर्षा हानिकारक होती है, जब आम में पुष्प आते हैं, ठीक है, तो उस समय वर्षा का होना और पाला का गिरना हानिकारक होता है, ठीक है। और अगला है, आम मुख्यतः उष्ण ट्रॉपिकल जलवायु वाली फसल है। कैसी फसल है? आम मुख्यतः ट्रॉपिकल जलवायु वाली फसल है। ट्रॉपिकल हाँ, मुख्यतः ट्रॉपिकल जलवायु वाली फसल है और अष्टफल है, ठीक है। आम कैसा फल है? अष्टफल, ड्रूप, ठीक है, ड्रूप प्रकार का फल है आम। तो प्रोपोगेशन देखते हैं आम में कैसे होता है। आम में जो कमर्शियल, व्यावसायिक या व्यापारिक, ठीक है, प्रवर्धन होता है, वो किसके द्वारा होता है? उत्तर भारत में विनियर ग्राफ्टिंग के द्वारा, ठीक है। और नई व आर्थिक विधि कौन सी है? एपिकोटाइल स्टोन, ठीक, ग्राफ्टिंग है, नई व आर्थिक विधि है एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग, ठीक। कहाँ से विकसित की गई है? जो कि महाराष्ट्र एवं गुजरात में ज़्यादा जो विकसित हुई है, महाराष्ट्र और गुजरात में ज़्यादातर अपनाई जाती है, विकसित नहीं, ठीक है। इनके अलावा आम दक्षिण भारत में इनार्चिंग विधि से, दक्षिण भारत में आम कैसे किया जाता है? इनार्चिंग विधि से भी प्रोपोगेट किया जाता है। किससे? इनार्चिंग विधि से दक्षिण भारत में, ठीक है। पौधे लगाने का समय कब होता है आम का? जुलाई अगस्त, ठीक है, जुलाई अगस्त। आम में पुष्प आने का जो होता है समय होता है, वो फरवरी माह में आते हैं पुष्प, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। और आम में जो दूरी रखते हैं पौधा से पौधा की दूरी, ठीक है, 10 मीटर स्क्वायर रखते हैं, ठीक है, 10 10 × 10 मीटर, ठीक। और फिर आम्रपाली किस्म है, इसमें अलग इसकी है, ठीक है, दूरी होती है सबसे अलग। ये सघन बागवानी के लिए प्रयोग की जाती है आम्रपाली, इसकी 2.5 × 2.5 मीटर पर रखते हैं। और 1 हेक्टेयर में कितने पौधे लग जाते हैं इसके? 2.5 × 2.5 पर 1600 पौधे प्रति हेक्टेयर, ठीक है, रखते हैं, ठीक है, चलो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आम की प्रमुख उन्नत किस्में एवं उनकी विशेषताएं, आम की जो उन्नत किस्में हैं उनकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं देख लेते हैं।
उन्नत किस्में किधर विशेषता है? अल्फांसो, ठीक है, ये एक उन्नत किस्म है हमारी पहली, अल्फांसो। तो ये क्या होती है, भारत में सर्वश्रेष्ठ किस्म, भारत की, ठीक है, आम की सबसे सर्वश्रेष्ठ किस्म है, निर्यात हेतु उपयुक्त है, ठीक है, निर्यात इसका बहुत होता है, ठीक है। स्पंजी ऊतक की समस्या पाई जाती है, स्पंजी ऊतक क्या होता है, इसमें फल ऊपर से दिखाई देता है परंतु अंदर के ऊतक मर जाते हैं, और जिससे स्पंज अंदर के ऊतक मर जाते हैं, ऊपर से फल एकदम सही दिखाई देगा, ठीक है। यह हापुस या बादामी नाम से जानी जाती है, किस नाम से, अल्फांजो को जाना जाता है हापुस एवं बादामी नाम से, ठीक है। और अगली किस्म है चौंसा, चौंसा है, ठीक है, अगली किस्म है चौंसा, या आम की सबसे मीठी एवं उत्तर भारत की पछेती किस्म है, कौन सी, पछेती उत्तर भारत की और सबसे मीठी किस्म है, बॉम्बे ग्रीन। अगली है बॉम्बे ग्रीन, उत्तरी भारत में अगेती, अगेती है, ठीक है, अगेती कौन सी है, और सबसे अधिक मैंगो फार्मेशन से युक्त है, सर्वाधिक मैंगो फार्मेशन इसमें लगता है, ठीक है। और बॉम्बे येलो, ठीक है, या बिहार की अगेती किस्म है, कहाँ की, बिहार की, ठीक है। और फिर आगे बढ़ते हैं, जैसे कि केसर, अगली हमारी केसर है उन्नत किस्म, तो इसके प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त है, और गुजरात की अगेती किस्म है, कहाँ की, गुजरात की, ठीक है। लंगड़ा, अगली नेक्स्ट आती है लंगड़ा, लंगड़ा कहाँ है, उत्तरी भारत की मध्यम पकने वाली किस्म है, ठीक है, मीडियम, उत्तरी भारत की ये मीडियम पकने वाली किस्म है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगली है हमारी लाल सिंदूरी, लाल सिंदूरी आती है अगली, लाल सिंदूरी या पाउडरी मंडू रोधी एक नई किस्म है, ठीक है, लाल सिंदूरी पाउडरी मंडू, ठीक है। नीलम अगली है, या तमिलनाडु, तमिलनाडु की देरी से पकने वाली किस्म है, और यह लंबे यातायात के उपयुक्त है, ठीक है, ये ज़्यादा एक्सपोर्ट के, ज़्यादा लंबे, ज़्यादा दूरी तक के एक्सपोर्ट के लिए उपयुक्त है, ठीक है, नीलम जो कि, ठीक है, तमिलनाडु, ठीक है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं फिर हम, फिर आगे है हमारी फजली, फजली जो किस्म है, या पछेती किस्म है, ठीक है, या बिहार के बिहार एवं पश्चिम बंगाल की सामान्य उगाने वाली किस्म है, ठीक है, बिहार एवं, ठीक है, बंगाल, पश्चिम बंगाल। और दशहरी अगली आती है, या उत्तर प्रदेश की मध्यम पकने वाली किस्म है, उत्तर प्रदेश की, ठीक है, इसकी संग्रहण क्षमता अच्छी है, वह उत्तर भारत में सर्वाधिक प्रसिद्ध है, ठीक है। बंगलोरा अगली हमारी किस्म आती है, जो बंगलोरा, बंगलोरा देखो, यह दक्षिण भारत में तोता पूरी के नाम से जानी जाती है, बंगलोरा को दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता है, तोतापुरी के नाम से, ठीक है। फिर अगली किस्म आती है बगान बंगन पल्ली, ठीक है, यह तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश की व्यापारी किस्म है, जो सफ़ेदा नाम से जानी जाती है, बंगन पल्ली को किस नाम से जाना जाता है, सफ़ेदा नाम से, और ये व्यापारी किस्म कहाँ की है, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश की, ठीक है। तो अगली किस्म आती है निरंजन, निरंजन या ऑफ सीजन, ठीक है, ऑफ सीजन की वैरायटी है, ठीक है, बेमौसमी किस्म है, ठीक। जेवियर, जेवियर अगली आती है, इसमें सबसे अधिक TSS, ठीक है, पाया जाता है, कितना, 24.8 वेक्स, ठीक है, सर्वाधिक TSS पाया जाता है। अगली आती है रूमानी, या इसकी आकृति होती है, इसकी विशेषता यह है कि यह सेब की आकृति की किस्म है, रूमानी, ठीक है। एडवर्ड, एडवर्ड है जो एंथ्रेक्नोज प्रतिरोधी किस्म है, ठीक है, रेजिस्टेंट वैरायटी है एंथ्रेक्नोज। तो आगे बढ़ते हैं, आम की कुछ संकर किस्में हैं, इनके ज़्यादातर क्रॉस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम क्रॉस ही देखेंगे, ठीक है। अर्का अनमोल, ये किसका क्रॉस है, ठीक है, अल्फांजो एंड इंटू जनार्दन पसंद, ठीक है, अल्फांजो एंड जनार्दन पसंद, ठीक है, इनके केवल क्रॉस की बात ही करेंगे। और स्पंजी ऊतक युक्त है, ठीक है, अर्का पुनीत, अल्फांजो एंड बैंगन पल्ली, ठीक है, अर्का अरुणा, बैंगन पल्ली इंटू अल्फांजो, ठीक है। रत्ना, ये बहुत पूछी जाती है, रत्ना, नीलम गुणे अल्फांजो,
आर एन ए, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे हम। शार्ट फॉर्म आर से हो गया रत्ना, एन से हो गया नीलम और ए से हो गया अल्फांजो, ठीक है। आम्रपाली ये भी पूछी जाती है, दशहरी गुण इंटू नीलम डी एन ए है, ठीक है, इसे ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। सिंधु ये भी पूछी जाती है बहुत, और आम्रपाली की ये इधर ये बोनी किस्म है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। उसे सघन बागवानी के लिए प्रयोग किया जाता है, हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए 2.5 x 2.5 मीटर पर मीटर पर कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। 1600 पौधे लगते हैं इसके, कितने, 1600 पर हेक्टेयर, 1600 पौधे लगते हैं पर हेक्टेयर, ठीक। मल्लिका नीलम इंटू दशहरी का क्रॉस है, ठीक है। और हाँ पीछे रह गया था हमारा सिंधु, छूट गया था ये, रत्ना इंटू अल्फांजो का क्लास है, ठीक है, क्लास है। विश्व में पहली बीज रहित किस्म है ये, विश्व की पहली बीज रहित किस्म कौन सी है, सिंधु, ठीक है, ऐसे पूछ लेगा। विश्व की पहली बीज रहित किस्म है सिंधु, ठीक है, ध्यान रखना। अगली आती है साई सुगंधा, ये किसका क्लास है, ठीक है, क्लास है तोतापरी पूरी एंड केसर, केसर का, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यह आम की नई किस्म है, ठीक है, यह आम की कैसी किस्म है, नई किस्म है। और अंबिका, अंबिका ये है CISH, ठीक है, लखनऊ से विकसित की गई है, संकर किस्म है अंबिका, ठीक है। तो आगे ये बता रहे हैं आर्यनी के बारे में, जैसे कि हमने बताया था पहले ही, आर से हो गया रत्ना, एन से हो गया नीलम और ए से हो गया अल्फांजो, ठीक है, ये वही बता रहे थे यहाँ पर। सामान्य उत्तरी भारत में आम की किस्में एकांत में पालन एवं स्वबंधता सेल्फ इनकम ट्वेंटी वाली हैं, ठीक है, उत्तर भारत में। उत्तरी भारत की किस्में, जैसे उत्तर भारत की कुछ किस्में हैं लंगड़ा, चौसा, वॉबे ग्रीन, केसर, ठीक है। मुख्यतः दक्षिण भारत में आम की किस्में निरंतर फल देने वाली हैं, ठीक है, रेगुलर फल देने वाली हैं, जैसे कि बैंगन पल्ली, नीलम, तोतापुरी आदि, ठीक। बेमौसम वाली कौन सी हैं, निरंजन एवं मधुलिका, ये पूछ देगा बेमौसमी किस्म कौन सी हैं, इनमें से ऐसे ऑप्शन दे देगा, इनमें से कौन सी हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना है निरंजन एवं मधुलिका बेमौसमी किस्म होती हैं, ठीक है। आम में बहुपूर्णता पॉलीब्रियोनी किस्में हैं ओलार, गोवा, चंद्रकरण, बेल्लारी एवं मलगांव हैं, ठीक है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या है आगे, आम के फल वृक्ष पर लगने वाले कीट, ठीक है, इंसेक्ट पेस्ट कौन कौन से हैं, ठीक है, देखते हैं। आम का फुदका मैंगो हॉपर इसे बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। इसका जूलॉजिकल नाम होता है मेरिटोडस एटकिंसोनी, वह आइडिस्कोपस, ठीक, स्पेसीज, यह क्या कहता है, यह आम का प्रमुख कीट है, ठीक है। इसके निम्फ एवं प्रौढ़ हैं जो पुष्प एवं पत्तियों का रस चूसते हैं, ठीक है, कौन सा, मैंगो हॉपर एमेरिटोडस एटकिंसोनी, ठीक है, इसका जो जूलॉजिकल नेम है। नियंत्रण किससे करते हैं, डाइमिथोएट या रोगो, ठीक है, 0.2% का छिड़काव करते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं फिर, मिलीबग, आगे हमारा आता है मिलीबग, मिलीबग इसका जो मिलीबग इसका है जो डासिका मेंगी फेरी, इसका जूलॉजिकल नेम हो गया, ठीक है। यह भी आम का मुख्य कीट है, इसके निम्फ एवं प्रौढ़ कोशिका का रस चूसते हैं, ठीक है। इसका प्रबंध कैसे करते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं, निम्फ को जमीन से पेड़ पर नहीं चढ़ने देते, ये नीचे से ऊपर पेड़ पर चढ़ते हैं, ठीक है, तने से, इसलिए तने पर 30 सेंटीमीटर ऊंचाई पर ग्रीस या एल्कीथीन की पट्टी बांधते हैं, तथा कार्बोरिल एट द रेट 0.25% का छिड़काव करते हैं, ठीक है, कंट्रोल करने के, ठीक है, ग्रीस का लगा देते हैं चारों तरफ तने के 30 सेंटीमीटर तक, जिससे ये ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं, वहीं पर रुक जाते हैं, ठीक है, तने में। फिर आगे बढ़ते हैं, आम की फल मक्खी जो है, इसका जो जूलॉजिकल नेम होता है वेक्ट्रोसेरा डोरसेलिस, ठीक है, इसका जूलॉजिकल नेम है। इसके आक्रमण से आम के फल के अंदर में सड़न व तरल बदबूदार पदार्थ बदल जाता है, ठीक है।
इस कीट के कारण आम के फलों का निर्यात में बाधा आती है, ठीक, निर्यात में बाधा आती है, अतः निर्यात किए जाने वाले आम के फलों को गर्म व वाष्प से उपचारित करते हैं, वेपोर हीट, ठीक, ट्रीटमेंट, ठीक, इससे किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर, मैंगो स्टेन विविल, इसका जूलॉजिकल नेम होता है एप्टेनोगैस्ट्रस मेंजिफेरी, ठीक है, इसे गुठली की गुण भी कहते हैं, या संगरोधन का महत्व है, क्वारंटीन का कीट है, क्वारंटीन का, ठीक है। इसका प्रबंध कैसे, कंट्रोल कैसे कहते हैं, फलों को किरणों से उपचारित किया जाता है, रेडिएशन से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तनाछेदक, तनाछेदक जो कि है वेक्टोसेरा रूपोमेकुलेटा, ठीक है, तने में लार्वी छेद करती है इसकी, और जिसके कंट्रोल है तो केरोसिन तेल फुहा छेद में डालते हैं, ठीक है, केरोसिन का कुछ वो लगा के और उसके छेद में डाल देते हैं, ठीक है। एक तने में मोनोक्रोटोफास कीटनाशक, कौन सी, मोनोक्रोटोफास, इसके रोकने के लिए इंजेक्शन का भी प्रभाव नियंत्रण है, ठीक है। प्रमुख व्याधियाँ, कुछ डिजीज के बारे में बात कर लेते हैं जो मैंगो में लगते हैं, जैसे कि पहला हमारा है फाइडोमंडू या छाछ या, ठीक, रोग, ठीक है, ये कारक है ओडियम मैंगिफेरी, ये किसके कारण होता है, कवक के कारण, फंगस के कारण, पौधे के ऊपरी भाग पर सफ़ेद चूर्ण जैसे धब्बे दिखाई देते हैं। यह अधिकतर कब होता है, यह अधिकतर होता है फरवरी में, ठीक है, मार्च में प्रचंड, फरवरी मार्च में प्रचंड रूप से फैलता। इसकी रोकथाम के लिए केराटिन पाउडर 0.1% का छिड़काव करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक अगला आता है एंथ्रेक्नोज, एंथ्रेक्नोज क्या होता है, केलेटोट्रिकम ग्लाइस्पोराइडस कवक के कारण होता है, यह रोग अधिक आर्द्रता व अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में फैलता है, ठीक है। पौधे की पत्तियों पर काले रंग के फफोले नुमा धब्बे नज़र आते हैं, कैसे, इसका जो, इसके जो मतलब लक्षण हैं वो काले रंग के फफोले नुमा धब्बे बनते हैं पत्तियों पर व टहनियों पर, सूखना शुरू हो जाता है, एक मुख्य लक्षण है जो, और इसके नियंत्रण के लिए कार्बेंडाजिम 0.1% का छिड़काव करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मैंगो मालफॉर्मेशन, जो है मैंगो मालफॉर्मेशन के बारे में जानते हैं, मैंगो मालफॉर्मेशन, ठीक है, इस रोग को पुष्प के शीर्ष विकृत व गुच्छा मुच्छा रोग भी कहते हैं। इसमें आपने देखा होगा बहुत आम के पेड़ को ध्यान से देखा होगा, जब फ्लावरिंग आती है तो उसमें ये गुच्छा जैसा बन जाता है, जिससे वो नहीं आता है, उसमें फ्रूट नहीं आते हैं, एकदम एकदम गुच्छे बना रहता है जो पुष्प का होता है, उसमें फ्रूटिंग नहीं होती है, ठीक है, यही बता रहा है विकृत रोग है। और क्या होता है, यह किस कारण होता है, यह फ्यूजेरियम मोनिलीफेरम ब्राइट सब ग्लू टी नेनाटी कवक के कारण होती है, और ये इसके दो माइट एसेरिया मैंगिफेरी या कम तापमान के कारण, ठीक, यह दो प्रकार का होता है, वानस्पति मैंगो मालफॉर्मेशन पत्तियाँ, एक में जैसे वानस्पति मैंगो मालफॉर्मेशन होता है, ये होता है पौधे की पत्तियाँ गुच्छे में बदल जाती हैं, जैसे पत्तियाँ गुच्छा हो जाता है, जैसे एकदम पुष्प का होता है, ठीक है, और वैसे पत्तियाँ छोटी छोटी होकर गुच्छा में बदल जाती हैं, पुष्प मालफॉर्मेशन होता है, ये देखो ये पुष्प की छोटी छोटी पत्तियाँ जैसे गुच्छे के रूप में हो जाती हैं, ठीक है, ये मैंगो मालफॉर्मेशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है, मुझे बदल जाता है, जिसे माथा बांधना भी रोग कहते हैं, ठीक है, माथा बांधना भी कहते हैं। ये प्रमुख उत्तरी भारत में है, जो बॉम्बे ग्रीन व क्या है चौंसा किस्में अधिक संवेदी, ठीक, बॉम्बे ग्रीन और चौंसा में सर्वाधिक मैंगो फॉर्मेशन होता है। नियंत्रण क्या है, काट छाट एंड प्रूनिंग करनी चाहिए, करके पौधे को प्रभावित भाग को हटा देना चाहिए, ठीक है। इसके लिए नेफ्थलीन एस्टिक एसिड, ठीक है, एनएनए या प्लेनोफिक्स एट द रेट 200 ppm पार्ट पर मिलियन, ठीक, का पुष्प आते समय छिड़काव करना चाहिए, पुष्प आते समय छिड़काव करना चाहिए। मैंकोजेब, मैंका एक दूसरी है जैसे कि मैंकोजेब, ठीक है, फफूंदनाशी का लगभग एट द रेट 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से छिड़काव करना
चाहिए कंट्रोल करने के लिए मैंगो फल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमें दैहिक विकार फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कुछ होते हैं जैसे कि काला शीरा, ब्लैक टिप रोग, ठीक है, यह विकार देखा होगा जो आम होता है उसके निचले भाग पर एकदम ब्लैक टिप बन जाता है, ठीक है, काला धब्बा बन जाता है, काला काला दिखाई देता है। यह किस कारण होता है, देखो के लक्षण क्या हैं। यह विकार ईंटों के भट्टों से निकलने वाली SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एंड CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के कारण होता है। किससे, ईंटों के भट्टों। इसमें क्या बोरान तत्व की कमी भी इसके लिए जिम्मेदार है। बोरान तत्व की कमी होती है तब भी ये हो जाता है। इससे प्रभावित पौधे के फल नीचे काले व सख्त हो जाते हैं, ठीक, नीचे से काले हो जाते हैं और सख्त हो जाते हैं, ठीक है। यह दशहरी किस्म में सर्वाधिक होती है, कौन सी किस्म, दशहरी में। नियंत्रण के लिए क्या करना चाहिए, बगीचा है कि स्थापना ईंटों के भट्टे से कम 1 किलोमीटर की दूरी पर करनी चाहिए, ठीक है। बोरान इसके कंट्रोल के लिए क्या करना चाहिए, बोरान बोरेक्स 0.6% का तीन छिड़काव करने चाहिए, ठीक, कितने, तीन छिड़काव करने चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस फंजी ऊतक के बारे में। इस फंजी ऊतक क्या होता है, इस फंजी ऊतक समस्या ये देखो क्या है, इसके बारे में जानते हैं। यह विकार मृदा ताप का संवहन सोयल हीट कन्वेक्शन द्वारा होता है, ठीक है। इसे प्रभावित फल बाहर से देखने पर सामान्य लगते हैं, ठीक, परंतु अंदर छोटे छोटे भागों में फल पीला व स्पंज जैसा हो जाता है। इसे आम का अंग भंग, ठीक, इंटरनल ब्रेक डाउन रोग भी कहते हैं, ठीक, अंग भंग रोग भी कहते हैं, ठीक है। बाहर से इसमें फल अच्छा दिखाई देता है और अंदर, परंतु अंदर छोटे छोटे भागों पर पीले स्पंज हो जाते हैं, ठीक। इसे स्पंजी ऊतक को क्या, टिश्यू रोग को और क्या दूसरे नाम से जानते हैं, अंग भंग, ठीक है, रोग या इंटरनल ब्रेक डाउन रोग, ठीक है। अल्फांसो किस्म या प्रमुख समस्या है, कौन सी किस्म है, स्पंजी टिश्यू अल्फांसो में। प्रबंध कैसे करते हैं, कंट्रोल स्पंजी रोधी किस्में जैसे कि नीलम दशहरी उगाएँ, ठीक है, आर्का अरुणा रत्ना आर्का पुनीत, ये नई संकर किस्में इसमें समस्या मुक्त हैं, ठीक है, ये रेजिस्टेंट वैरायटी हैं, इन्हें यूज करना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला है आंतरिक मृद ऊतक इंटरनल नेक्रोसिस, ठीक है, आंतरिक मृद ऊतक रोग, ठीक है। यह बोरान की कमी के कारण होता है, इसमें क्या करना चाहिए, इसे कंट्रोल करने के लिए बोरेक्स @0.6% का छिड़काव प्रभावी नियंत्रण है, ठीक है, इसके छिड़काव करना चाहिए बोरेक्स का 0.6%, ठीक है, कंट्रोल कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु जैसे कि राजस्थान में उगाई जाने वाली आम की किस्में जैसे कौन कौन सी हैं, दशहरी, चौसा, लंगड़ा, आम्रपाली, मल्लिका, ठीक है। आम में आम की गूटी का जीवन काल कितना है, स्टोन का कितना है, 3 दिन जीवन काल होता है, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जो हमारा फर्स्ट पार्ट था मैंगो का, वो ज़रूर देख लें। अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, ठीक है। अगर आप कोई न्यू क्रॉप पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएँ। आपको जिस भी क्रॉप पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता दें, जिससे मैं अगली बार उस पर वीडियो बना सकूँ, ठीक है। धन्यवाद।